ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लोकतंत्र के इस महापर्व पर चर्चाओं के लिए एक और गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है विमल अग्रवाल जी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विमल जी भाजपा से ही हैं और नीरज जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या लगता है विमल जी कि जिस तरह से प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान जारी है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, जिस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह है, वह उत्साह देखते ही बनता है। सुबह से ही जिस प्रकार की लाइन मतदान केंद्र पर लगी हुई है, बाहरी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यह उत्साह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के विकास के लिए काम किया है, यह उत्साह उसी को मतदान देने के लिए बन रहा है। और यह जिस प्रकार से मतदान पिछले जो रिकॉर्ड है, मतदान का जो रिकॉर्ड है, वो पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा इस मतदान पर, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं विमल जी। जिस तरह सवेरे से ही मतदाताओं की लाइनें लगी हुई है, और अभी भी जैसे दोपहर का समय था, उस समय भी लोगों की लाइनें लगी हुई थी, उसे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों में अपने वोट के प्रति तो जागरूकता आई है। उन्हें लगता है कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए और वो अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्साहित है। खासतौर पर युवा वर्ग में तो वोट को लेकर भारी क्रेज देखा गया, और बुजुर्ग और जो दूसरे जो है युवा अवस्था में है, अधेड़ है, महिलाएं हैं, इनमें भी काफ़ी उत्साह है। और लोगों को लगता है कि वोट उनका अधिकार है और उनके एक वोट से कोई सरकार बन सकती है और कोई सरकार बिगड़ सकती है या गिर सकती है, इसलिए लोगों ने जो है वोट बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है विमल जी, आने वाले जो शाम तक जो इसका मतदान का प्रतिशत आएगा, शायद मुझे लग रहा है पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। पिछली बार 68% मतदान का परसेंटेज था, मुझे लगता है इस बार 75% तक जयपुर शहर में मतदान का प्रतिशत जाएगा। और इसके लिए मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने एक एक घर में एक एक मतदाता तक पर्ची पहुँचाई है। पहले क्या होता था कि मतदाता तक पर्चियाँ नहीं पहुँच पाती थी, पॉलिटिकली पार्टीज़ अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पर्चियाँ पहुँचाते थे, वो छोटी पर्ची होती थी, स्पष्ट कुछ नहीं होता था। इस बार जो पर्चियाँ आई हैं उस पर जो मतदाता है उसका फोटो भी बहुत बड़े साइज में छपा है, उसकी पूरी डिटेल उसमें दी है। तो अब सीधा जो मतदाता है वो सीधा बूथ पर जा रहा है, मतदान कर रहा है, उसको सारी चीज़ें पता है कि मुझे एक आईडी लेकर जानी है। देखने को मिली है इस बार जी, क्योंकि अपन शुरू से देखते आ रहे हैं, पहले मतदाताओं को घर घर से निकालना पड़ता था जी, टेम्पो लगाने पड़ते थे, जीप लगानी पड़ती थी, अब मतदाता खुद आ रहा है। हाँ, इस बार कुछ भी देख खुद आ रहा है, वो ले जाके किसी टेबल पे खड़ा हो रहा है कि उसकी पर्ची कटवानी है, देखनी है क्या करनी है, यही है। और उसको किसी कार्यकर्ता किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ और अगर कोई मीडिएटर मिल भी रहा तो शायद इस बार सख्ती भी काफी देखी गई शहर में, तो वो सीधा अपना मतदान कर रहा है और उसको क्या करना है वो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा, तो साइलेंट मतदान हो रहा है। और दोनों पार्टियां इसे उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उत्साहित हो सकती है। मैं अभी भी कुछ कई बूथों पर जाकर आया हूं, मैंने बूथों पर जाकर देखा कि वहाँ जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपनी टेबल पर शांति से बैठे हुए हैं, लोग सीधा वहाँ अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और सीधा मतदान केंद्र पर जाकर और मतदान करके अपने अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत है। और जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसका फायदा कम से कम जयपुर में और राजस्थान में हमेशा बीजेपी को मिला है और हिंदुस्तान में भी देखने को मिला है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मत प्रतिशत पूरा राजस्थान में बढ़ा है उसका सीधा सीधा सा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी विमल जी, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन नीरज जी आप भी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी प्रभाव इस बार ज्यादा देखने को मिला और लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग वोट लेने के बाद सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे जितना लगता है कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी ज्यादा इन दिनों प्रभावित है और इसी को लेकर जागरूकता भी उनमें देखने को मिली कि देश की सरकार चुन सकते हैं। होड मची हुई लोगों में जी, लोगों में होड मची हुई है कि कौन मतदान करके सबसे पहले अपनी सेल्फी पोस्ट करेगा। मैं सवेरे से जब उठा तो मैं भी सोच रहा था कि आज सवेरे जब जल्दी मतदान करना चाहिए, जब तक मैं सोच रहा तब तक तो बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ मेरे मोबाइल पे आ चुकी थी। इससे साफ जाहिर है कि सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है वाकई में है। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अभियान चलाया है, मीडिया संस्थानों ने भी अभियान चलाया और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मतदान जरूरी है, कन्यादान बाद में करें, मतदान पहले करें, बहुत सारे डायलॉग्स इस समय समाज में चले हैं। और लोगों को लगता है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि लोगों ने देखा कि लोग एक एक वोट से भी हार जाते हैं, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है, तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करता है और हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करना चाहता है। और जहाँ तक मत प्रतिशत बढ़ता है तो
सत्ताधारी दल को कई बार फायदा होता है, कई बार लोग उसको, अगर मेरी जगह कोई कांग्रेस पार्टी का होता तो शायद वो ये कहता कि नहीं, ये सत्ता के खिलाफ कहीं न कहीं जनता का आक्रोश है जो वोटों में तब्दील हो रहा है। लेकिन मैं अभी न तो इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ कि आक्रोश तब्दील हो रहा है या उत्साह जो है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये तो 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ये अच्छी खबर है राजस्थान के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी, लोकतंत्र में, क्योंकि जिसको मताधिकार है अगर वो मताधिकार का प्रयोग नहीं करता तो फिर उसका कोई मायना नहीं होता। और लोग, अच्छी बात है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और आने वाले समय मुझे लग रहा है जो टेबलें लगती है बाहर पॉलिटिकल पार्टियों की, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल जी, मैं आपको उत्साह की बात का एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं जब सुबह मुझे किसी टीवी चैनल्स में डिबेट पर जाना था, 9 बजे पहुँचना था, तो मैं समय पर तैयार नहीं हो पाया और मैं वहाँ बूथ पर जाकर मेरा वोट नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे वहाँ जाने की जल्दी हो रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ वोट डालना चाहते हैं, तो मैं उनके कारण से वहाँ वोट डालने उस समय नहीं गया। किंतु जब मैं वापस घर गया और उनको लेकर मैं बूथ स्तर तक गया, बूथ पर गया, तो उन्होंने आगे जाकर वोट डाला और मुझसे बार बार में कहा कि वोट हम डालेंगे। मेरे आगे वो गया, उसने बटन दबाया और वोट डाला, और यही नहीं, उसने जो शाही अपनी उंगली पर लगती है वो शाही भी उसने लगवाई और मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई, मेरी पत्नी के साथ सेल्फी खिंचवाई कि हाँ हमने वोट दे दिया उसको। मैंने तो, ये आपने जो बात कही है, सोशल मीडिया के भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि वो अपनी सेल्फी को पोस्ट कर रहे हैं और हर व्यक्ति यह जागरूकता फैला रहा है कि हमें वोट देना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र का उत्सव है। हर व्यक्ति किसी भी सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकारी तभी है जब वह अपना मत का उपयोग कर ले। यदि कोई व्यक्ति अपने मत का उपयोग नहीं करता है तो वो सरकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। इसलिए यह जो मतदान का उत्साह है, यह भारी उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग और कहीं ना कहीं मतदाताओं को बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमें देना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा और कहीं ना कहीं सही कहा कि चुनाव आयोग ने इस तरह से स्वीप कार्यक्रम के तहत, मानव श्रृंखला के तहत, रैलियों के माध्यम से और घर घर जाकर लोगों को अपने मत का अधिकार करने का उसका महत्व समझाया, तो सही फरमाया आपने। और नीरज जी, जिस तरह से आप बताए कि जितना मत का इस बार प्रतिशत बढ़ा है, आपका कहना है कि रिकॉर्ड पिछले बार के भी इस बार टूट जाएंगे, लेकिन किसके पक्ष में मतदान होता दिखाई दे रहा है? देखिए ज्योति, ये बात हमको इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि चुनाव आचार संहिता का मामला है जी। हम एक टीवी चैनल है, मीडिया है, और हमें हमारी भूमिका को निष्पक्ष तरीके से निभाना चाहिए। मतदान किसके पक्ष में हो रहा है ये न तो हम जानते, न भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते, न कांग्रेस पार्टी के लोग जानते। मतदाता का वोट जो है साइलेंट मोड पर होता है, लेकिन कई बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ता है वो सत्ता के पक्ष में भी होता है। अब तक का रुझान, जैसा कि विमल भाई बोल रहे हैं, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, लेकिन कई बार विपक्ष में भी चला जाता है क्योंकि अब तक, जब तक मतदान प्रतिशत कम होता था, कांग्रेस पार्टी की सरकारें हमेशा बनती रही है। लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ने पर, जिस तरह पिछली बार बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो अभी भी इनका आकलन है कि उनको बहुमत मिल सकता है। हो सकता है ये इनका आकलन ठीक हो सकता है कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि नहीं, जो 5 साल मोदी का राज रहा है देश में, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उसके खिलाफ नाराजगी भी हो सकती है। तो इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इस बात से और तमाम लोग इस बात से खुश है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। लोग जब जितने ज़्यादा वोट करेंगे तो इसका मतलब वो सशक्त सरकार देंगे। यदि 80% 70% वोटिंग होती है तो इसका मतलब, सोचिए कि हमें 100 में से 70 लोगों ने चुना है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। जिस भी सरकार को बनाएगी, जिस भी पार्टी को सत्ता सौंपेगी, वो उसके पक्ष में, एक तरह से उनको लगता है कि मेरे पीछे 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट सामने आएगा। और दोनों ही पार्टियों का दावा है, देखना ये कि जब देखिए नीरज जी, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम जो दावा कर रहे हैं वो निश्चित तथ्यों के आधार पर दावा कर रहे हैं। पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ होती है, वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिख रही है। यदि आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, गली में जाएं, कस्बे में जाएं, आप किसी भी मतदाता से बात करें, किसी बच्चे से बात कर लें, किसी महिला से बात कर लें, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री देखना है। तो नरेंद्र मोदी को जब देश का पुनः प्रधानमंत्री देखना है, तो जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में खड़े किए हैं, उनके प्रति वो रुझान है। मैं इस बात को इस मन से इसलिए नहीं कह सकता, बिल्कुल आपकी अपनी मजबूरी है, मेरा अपनी मजबूरी है। अगर वाक्य बोलूंगा, ये शब्द बोलूंगा, बिल्कुल लगेगा कि मैं टीवी चैनल पर खुले आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूं। मैं आपकी मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि मोदी लहर है,
मोदी लहर का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरकरंट भी चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको मतदान प्रतिशत जो बढ़ता हुआ दिख रहा है उनको अपनी तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दावा था कि हम मिशन 25 में कामयाब हो रहे हैं। तो देखिए, युद्ध में कोई भी आदमी जब तक पटकने नहीं खाता है इसको कह रहे तो मजबूरी है, जब तक कोई आदमी पटकने नहीं खाता, हार नहीं जाता, तब तक वो मानता नहीं है कि मैं हार सकता हूँ, कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकता, चुनाव हार रहे हैं इसलिए। लेकिन जो मतदाताओं का रुझान अपने आप दिखता है, आज भी यदि जयपुर शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आप जाएंगे तो स्पष्ट रूप से रुझान दिख रहा है कि किसके पक्ष में मतदान हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि, और मैं एक बात और कहता हूँ कि हम यदि अपने देश के बाहर वाले देशों को देखें तो आप अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होता है कम से कम 10 साल के लिए बनता है। आप रूस की बात कर लें, आप चीन की बात कर लें, आप किसी भी देश में यदि बाहर उठाकर देखें तो वहाँ की जनता कम से कम 10 साल एक शासक को शासन सौंपती है। तो हमारे देश में भी इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया है तो यह 5 साल किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत कम होते हैं। उसको अपनी नीतियों को लागू करने के लिए समय चाहिए होता है। और पिछले जो नीतियां कांग्रेस के टाइम की थी, दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो ये मानकर चला जाए कि हिंदुस्तान में यदि पीएम मोदी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं 10 साल का कार्यकाल तो ये हो जाएगा उनका, बिल्कुल। तो फिर आने वाले समय में फिर नहीं मुझे और आवश्यकता है, फिर उसके बाद में यदि जनता अपना मैंडेट वापस देगी, उस मैंडेट में यदि 10 साल उनका कार्यकाल, सबसे बड़ी बात विमल जी यही है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता जनार्दन जो तय करती है कि वाक्य में किसको सत्ता सौंपनी है, किसको कुर्सी से नीचे उतारना है। इसमें तो हो सकता है क्योंकि पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है सालों साल रही है, 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, और यदि भारतीय जनता पार्टी ने और पीएम नरेंद्र मोदी ने वाकई में देश में काम किया है तो जनता देश की उन्हें फिर से चाबी सौंपेगी और फिर से उन्हें उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन यदि उनको लगता है कि नहीं इसमें बदलाव की जरूरत है, इसे परिवर्तन की आवश्यकता है, तो कहीं कहीं हो सकता है परिवर्तन भी हो जाए। तो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और असल फैसला जनता ही करती है, तो नरेंद्र मोदी के कामों पर मुहर लगाने का काम भी जनता कर रही है और राजस्थान में जो चुनाव सरकार बनी है 4 महीने की उसका भी राजस्थान में कहीं ना कहीं असर होगा उसके कामों का भी, क्योंकि आकलन किया जाएगा कि पहली परीक्षा उनकी है तो देखना यह है कि जनता किस करवट बैठती है। फिलहाल तो उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुशखबर है कि उन्हें लग रहा कहीं ना कहीं माहौल उनके पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा कि अंडरकरंट है। देखना यह है कि नतीजे क्या निकलते हैं। जी नीरज जी और विमल जी, ये तो नतीजे ही बताएंगे 23 मई को कि आखिर ये मतदान किसके पक्ष में हो रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है।